भाजपा द्वारा आरक्षण को खत्म करने के मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, यह सही बात नहीं है। संविधान के साथ ये खिलवाड़ करने वाले लोग हैं और इनकी सरकार बनने के बाद ये आरक्षण को समाप्त कर देंगे और अपना नागपुरिया संविधान लागू करेंगे। कहा है कि ओबीसी का 8 से 10% कोटा घटाया जा सकता है, यही तो चार हम लोग कर रहे हैं। संविधान के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं और इनकी सरकार यदि बन जाएगी तो ओबीसी का आरक्षण, शेड्यू कास्ट का आरक्षण, सभी प्रकार के आरक्षण को समाप्त करके और अपना नागपुरिया संविधान कायम करेंगे। एक यही आशंका तो व्यक्त कर रहे हैं हम लोग, जो आज इंडियन एक्सप्रेस ने जो लिखा है, हम समझते हैं उसकी बात को हम सस्पीक कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने इस बार एक भी कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उनके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है, क्या लगता है कि क्या ये दोबारा? देखिए, मैच फिक्सिंग का सवाल इसमें है, मैच फिक्सिंग। अच्छा, एक और सवाल कि विक्रांत में राजीव गांधी जो है वो अपने परिवार के साथ वो घूमते रहे और 10 दिनों तक पूरे फैमिली के साथ उन्होंने किसी द्वीप पर जो आईएनएस विक्रांत है उसको रोके रखा। इस प्रकार का जो की आलोचना है, यही साबित करता है कि मुद्दा की राजनीति लोगों के पास है नहीं, और जो मुद्दा और जो इन लोगों ने शासन किया था सब में फेल हो गए हैं। तो अब तो इनके पास यही मुद्दा ना है कि कौन क्या खा रहा है, कहाँ सोया है, कहाँ जा रहा है, एक राष्ट्रीय मुद्दा है। इसका मतलब है कि ये लोग समझ लिए हैं कि हमारी हार हो गई तो अंत में इसी तरह के कहकर छिया ले रखे। अच्छा, इसका कोई माने नहीं रहा। अच्छा, सेना का जो वो रक्षा का जहाज है, युद्ध पोत है, क्या वो इस तरह से कोई प्राइवेट तरीके से यूज कर सकता है? वो तो जांच का विषय है, पेन एंड पेपर में मामला है, तो इसके लिए कहने की क्या जरूरत है? अकॉर्डिंगली अपना कार्रवाई लोग करेंगे या ना करेंगे, जांच का विषय। आप जांच की मांग करते हैं? हम कहते हैं इसको देखा जाए।